नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कबीर के पदों का अब हम तीसरा भाग ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पद 21वां। सतगुर बपुरा क्या करे जे सिसही माहे चूक, भावे त्यों प्रबोध ले जो बंसी बजाई फूक। अब इसमें बपुरा का अर्थ है बेचारा और सिसही का अर्थ है शिष्य, चेला। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी इस पद में कहते हैं कि यदि शिष्य में ही कोई खोट हो, कमी हो अथवा अयोग्यता हो तो उसके लिए बेचारे गुरु का कोई दोष नहीं होता। वे शिष्य को ज्ञानी बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि शिष्य में ही ज्ञानी बनने की योग्यता नहीं होती। असल में गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह एक बांसुरी वादक और बांसुरी के समान होता है। यदि बांसुरी में सुर होंगे तो वह फूंकने पर जरूर बजेगी, और सुर नहीं होंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बांसुरी वादक भी उस बांसुरी को बजाने में असमर्थ ही रहेगा। अन्यथा बांस का कोई भी टुकड़ा फूंक कर बजा लिया जाता तो बांस के टुकड़े को जब तक वह बांसुरी के गुणों से युक्त नहीं हो जाता बजाना संभव नहीं होता। पदार्थ देखिए, पहला इसमें उपमा अलंकार है और दृष्टांत अलंकार भी है। दूसरा है शिष्य होने का गुण भी शिष्य में अवश्य होना चाहिए, यह बात प्रमुख रूप से कही गई है। इसके अलावा इसमें दोहा छंद है, गेयता का गुण है, शांत रस है और माधुर्य गुण भी है। अब हम करते हैं 22वां पद। संसई खाया सकल जुग, संसा किनहु न खद, जे बेधे गुर असिरा तिन संसा चुण चुण खद। इसमें शब्दार्थ है संसई यानी भ्रम, असिरा मतलब अक्षर ज्ञान। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं। कबीर कहते हैं कि माया के भ्रम ने समस्त संसार को ही निगल रखा है, परंतु भ्रम को किसी ने नहीं निगला। जब गुरु अपने अक्षर ज्ञान रूपी तीरों से वार करते हैं, उन्हें चलाते हैं, तब वे तीर भ्रमों को चुन चुन कर नष्ट कर देते हैं। अर्थात गुरु ही सांसारिक भ्रमों का विनाश करते हैं। इसमें पद सौंदर्य पहला है, भ्रम का रूपक प्रस्तुत किया गया है। दूसरा इसमें रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
अनुप्रास है, तीन अलंकार है। विशेष क्या है इसमें? तीसरा जो है उसमें कहा गया है कि मनुष्य माया मोह के भ्रम से ग्रस्त रहता है और गुरु उसे इससे मुक्ति दिलाते हैं। और अब करेंगे 23वां पद। चेतन चौकी बैसिकरी सतगुर दीना धीर निर्भय होई निसंक भजी केवल कहें कबीर। चेतन यानी चेतना, ज्ञान। संदर्भ प्रसंग इसका पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीर कहते हैं कि गुरुदेव मेरी चेतना रूपी चौकी पर विराजमान होकर मुझे धैर्य प्रदान करते हैं, धीरज दिलाते हैं, इसी कारण मैं निर्भय और निःशंक होकर परमात्मा की भक्ति के एकमात्र कार्य में संलग्न रहता हूँ, अर्थात संसार के माया मोह का मुझे भय नहीं रहा। मेरी चेतना में परमात्मा का सत्य अच्छी तरह बैठ गया है, समा गया है। पद सौष्ठव जो पदलालित्य का ही पर्यायवाची पद है उसे करते हैं। पहला चेतन चौकी में रूपक अलंकार है, चेतना को चौकी बना दिया गया है। इसमें दोहा छंद है, गेता है, शांत रस है, माधुर्य गुण है। इस पद में जो विशेष बात दिखाई देती है वो ये है कि चेतना में धैर्य तत्व की अनिवार्यता बताई गई है। और अब पद 24, सतगुर मिलिया तक्का भया जे मनि पाड़ी भोल पास बिरंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। इसमें भूल यानि भ्रम, बिनंठा यानि नष्ट, चोल यानि मजीट, रंग देने में क्या योग देगा, है ना। जो योग देने वाला पदार्थ है वो मजीठ नाम का एक वनस्पति होती है, उसका जिक्र है। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या, गुरु के मिल जाने मात्र से ही कुछ नहीं होता। असली बात तो शिष्य अथवा भक्त की सत्यता का है। यह तो वैसा ही है कि हमारे पास मणि तो हो पर वह हमारी स्मृति से लुप्त हो चुकी हो, हम भूल गए हों, भ्रम में पड़कर उसे पहचान ही ना पा रहे हों, तब हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास सड़ा हुआ फटा हुआ कोई वस्त्र है तो इसमें उस पर रंग चढ़ाने में असमर्थ मजीठ नाम की वनस्पति का कोई दोष नहीं होता। इसके पद सौंदर्य में देखते हैं, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा दोहा छंद है, गेयता का गुण है, शांत रस है, माधुर्य गुण है। विशेष बात यह है कि शिष्य का भक्ति और ज्ञान पाने की योग्यता से परिपूर्ण होना अनिवार्य है। अब हम करेंगे 25वां पद। बूढ़े थे पर ऊबरय गुरु की लहरी चमंक भेरा देख्या जर जरा उतरी पड़े फरंक। परी से यहाँ तात्पर्य है परंतु। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो डूब ही चुके थे, इस संसार रूपी समुद्र में समाने को हम थे ही। जिस समय डूब रहे थे तब एकाएक गुरु रूपी लहर ने हमें
समुद्र से निकाल कर बाहर कर दिया। अर्थात इस मिथ्या संसार में हमारी आत्मा को नष्ट हो जाने से गुरु ने बचा लिया। हम तो संसार रूपी जर्जर वृक्ष पर चढ़े हुए थे, गुरु ने जब उसकी जर्जर अवस्था का ज्ञान कराया तो हम उस पर से कूद पड़े। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के असत्य को त्याग कर हमने परमात्मा के सत्य को गुरु की सहायता से पा लिया। पद सुषमा, पहला, यहाँ पर समुद्र और वृक्ष के दो रूपक प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा, इसमें रूपक अलंकार है, दोहा छंद है, गेयता है, शांत रस है, माधुर्य गुण है। विशेष यह है कि इसमें गुरु कितने महत्वपूर्ण होते हैं इस बात को विशेष रूप से दर्शाया गया है। अब करते हैं पद 26वां। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। आपा यानी अहंकार, करतार यानी ईश्वर। संदर्भ प्रसंग पहली की तरह ही रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद अर्थात परम ब्रह्म तो एक ही हैं, वे दो नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं, उनमें कोई अंतर भी नहीं है। हाँ, मनुष्य का यह स्वरूप उससे भिन्न है और दूसरा भी है, अलग है, परमात्मा से परे आत्मा है। अब आत्मा यदि उस परमात्मा को पाना चाहती है तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि वह अपने अहंकार को मिटा दे, अपने अलग अस्तित्व को तिरोहित कर दे, तभी उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसमें पदलालित है, पहला, द्वैत भाव को प्रकट किया गया है। द्वैत यानी दो, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये द्वैत कहलाया। और परमात्मा आत्मा में मिल गई तो वह अद्वैत हो गया। दूसरा, इसमें दोहा छंद है, गेयता है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है। पद में जो विशेष बात सामने आई है वह है अहंकार और अपने अस्तित्व का आभास मिटाकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और अब हम 27वां पद लेंगे। कबीर सतगुरु ना मिलिया रही अधूरी सीण, स्वांग जति का पहार कर घर घर मांगे भीण। स्वांग यानी नकली रूप और भीण यानी भिक्षा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं। यदि गुरु ना मिले तो शिक्षा अधूरी ही रहती है। सच्चा और संपूर्ण ज्ञान तो गुरु ही प्रदान करते हैं। गुरु और परिपूर्ण ज्ञान के अभाव में फिर यही विकल्प रह जाता है कि साधु का बाहरी स्वरूप धारण कर लो, संत होने की नकल कर लो और फिर घर घर जाकर जीवन भर भिक्षा मांगते रहो। वास्तविक ज्ञान से तो आप वंचित ही रहेंगे। पद सौष्ठ, इसमें जो घरी घरी पद आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार इसमें है। दूसरा, इसमें दोहा छंद है, गेयता है, शांत रस है, माधुर्य गुण है। पद में विशेष बात ये कही गई है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु की उपस्थिति अपरिहार्य है, अनिवार्य है।
पद 28वां सतगुरु सांचा सोरीवां ताते लोही लुहार कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। सांचा यानी सच्चा, सूरीवां यानी सूरमा योद्धा वीर और कंचन यानी सोना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी का कहना है कि गुरु एक सच्चे वीर के समान होते हैं, वे कभी भी हार नहीं मानते, वे उस कठोर लोहार की भूमिका भी अदा करते हैं जो तपे हुए लोहे को पीट पीट कर उसे अपना मनचाहा स्वरूप प्रदान कर देता है। गुरु ही ऐसी कसौटी की तरह भी होते हैं जो अपने शिष्य को बार बार कठिन परीक्षा में डालकर उसे खरा सोना बना देते हैं। ऐसे गुरु से ही ज्ञान का तत्व सार शिष्य को प्राप्त होता है। पद सौंदर्य देखते हैं, इसमें रूपक अलंकार है, उपमा है, अनुप्रास भी है। इसके अलावा दोहा छंद है ही, गेता है, माधुर्य गुण है, सांतरस है। पद में जो विशेष बात सामने उभर कर आती है वो है कि गुरु की कठोरता से ही शिष्य को परम ज्ञान मिलता है। अब हम 29वां पद कर रहे हैं। थापणी पाई थिति भई सतगुरु दीनी धीर कबीर हीरा बड़ जिया मान सरोवर तेर। इसमें जो शब्दार्थ है, थापण यानि स्थापना, थिति यानि स्वीकृति, बण जिया यानि बना दिया। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं मैं गुरु की स्वीकृति पाकर उनका शिष्य स्वरूप पा गया हूँ। उन्होंने मुझे चंचलता के स्थान पर धैर्य प्रदान किया है। इस तरह वे एक हीरा व्यापारी के समान हैं जो पत्थर को तराश कर उसे हीरा बना देता है। अब मैं साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक ऐसा साधक बन गया हूँ जो मानो मानसरोवर का हंस होकर ज्ञान रूपी मोतियों को चुगा करता है। पद सौष्ठव, इसमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दोहा छंद है, गेता है, गीति तत्व है, माधुर्य गुण है, सांतरस है। पद में जो विशेष बात आई है वो ये है कि गुरु ही शिष्य को मनुष्य की साधारणता से निकालकर साधक का श्रेष्ठ स्थान दिलाते हैं। तीसवां पद, निहचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर निपजी मैं साझी घणा बाटे नहीं कबीर। निश्चल निधि यहाँ ब्रह्म के लिए आया है, जो ऐसी संपदा है जो कभी नष्ट नहीं होती। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने साहस और धैर्य के साथ मेरा मिलाप परम ब्रह्म से करा दिया है। मैंने परम तत्व के स्वाद को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। यह ऐसा स्वाद और संपदा है कि उसे अन्य लोगों में बांटा नहीं जा सकता। जो साधक है वही इसे पा सकता है। पदलालित, इसमें अनुप्रास अलंकार आया है, दोहा छंद है, गेता है, शांतरस है, माधुर्य गुण है।
जो पद में विशेष बात कही गई है वह है परम ज्ञान को बांटना संभव नहीं है। अब हम 31वां पद करने जा रहे हैं। चौपड़ी मांडी चहुट है अरग उरग बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। इसमें संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा, शब्दार्थ कोई खास है नहीं। सीधे व्याख्या करते हैं, शरीर रूपी चौराहे पर चौपड़ का खेल रच लिया गया है। इस शरीर के निचले और ऊपर वाले हिस्से में षट चक्रों का बाजार लगा हुआ है। इस चौपड़ के खेल के माध्यम से कुंडलिनी तक पहुंचने के लिए साधक विचार पूर्वक अपने पांसे फेंकते हैं और चालें चलते हैं। अब देखिए इस पद में विशेषताएं क्या हैं। पद सुषमा, ये पद सौंदर्य का ही पर्यायवाची है, तो इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद में जो विशेष बात है वो ये है कि योग साधना के द्वारा कुंडलिनी जागृत करने का संदेश दिया गया है। पद 32वां कर रहे हैं, पांसा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुर दाव बताइया खेले दास कबीर। इसमें कठिन शब्द कोई है तो उसका शब्दार्थ करते हैं सारी। सारी का अर्थ है चौपड़ का रचाओ, चौपड़ बनाना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं, मैंने अपने शरीर को ही चौपड़ की बिसात बना लिया है, प्रेम रूपी पांसे मेरे हाथ में हैं, गुरु मुझे खेलने के तरीके बता रहे हैं और मैं उसी अनुसार खेल रहा हूँ। अर्थात योग साधना गुरु के निर्देशन में जारी है। इस पद के पदलालित में हम देखते हैं, पहला चौपड़ का रूपक रचा गया है, जो कहना चाह रहे हैं कबीरदास उसे उन्होंने चौपड़ के खेल के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। दूसरा, इसमें रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद गेयता माधुर्य गुण शांत रस पहले की तरह है। विशेष गुरु के निर्देशन में ही योग साधना संभव है। और अब करेंगे पद 33वां, सतगुरु हम यो रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें शब्दार्थ है कि रीझ न याने प्रसन्न होना, प्रसंग यानी कोई कहानी कोई घटना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं, गुरु ने एक दिन हम पर प्रसन्न होकर ज्ञान की एक ऐसी कथा कही कि उसके परिणाम स्वरूप प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और मैं उस रस में सर्वांग डूब गया। तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा के बीच प्रेम का पावन रिश्ता कायम हो गया। पद सौंदर्य देखिए, अनुप्रास और रूपक अलंकार दोनों अलंकार हैं इसमें भी, दोहा छंद गेयता माधुर्य गुण और शांत रस है।
विशेष, इस पद में एक विशेषता भी है कि प्रेम ही आत्मा परमात्मा नामक दो तत्वों को एक करता है। इस बात को कवि ने विशेष रूप से कहा है। पद 34वां, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसया आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। बनराई यानी जंगल, और संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। प्रेम रूपी बादल हम पर इस तरह बरसा कि उससे शरीर के अंदर व्याप्त आत्मा तक भीग गई, और उसके कारण हृदय का ज्ञान रहित मरु प्रदेश, जो मरुस्थल था, ज्ञान ना होने के कारण मरुस्थल बना हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ इतनी नमी आ गई कि ज्ञान का जंगल हरितिमा से, हरियाली से भर गया। पदलालित इसमें रूपक अलंकार है, दोहा छंद गेता का गुण, माधुर्य गुण और सांतरस है। इस पद की विशेषता है कि इसमें प्रेम की महत्ता का वर्णन हुआ है। और अब इस खंड का आखिरी पद देख रहे हैं, 35वां। पूरे सू परचा भया सब दुख मेलिया दूर, निर्बल कीन्ही आत्मा ताथई सदा हजूरी। परचा याने परिचय, मेलिया याने कर दिया, दूर याने दूर। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरा परिपूर्ण गुरु से परिचय हुआ तो उन्होंने अपने ज्ञान से मेरे समस्त सांसारिक दुखों को दूर कर दिया। मेरी आत्मा से माया मोह मद लोभ आदि का जितना भी मैल था वह सब निकाल दिया और उसे निर्मल बना दिया। अब मैं सदा परमात्मा की साधना में जुटा रहता हूँ। पद सूक्ष्मा देखिए, इस पद के दोहा छंद है, गेता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद की विशेष बात यह है कि गुरु ही सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। कबीरदास के 100 पदों की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, जो 3 खंडों में विभाजित है। उसका पहला खंड जो गुरु को अंग शीर्षक के अंतर्गत 35 पद लिए गए थे, वे पूरे हुए। अब दूसरा शीर्षक आरंभ होगा सुमिरण को अंग, इसके अंतर्गत 32 पद आते हैं।